बढ़ते आगे, सीतापुर से बड़ी खबर आ रही। शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर हंगामा किया है। अंतर जनपदीय तबादले के बाद रिवीलिंग को लेकर हंगामा हुआ है और बीएसए कार्यालय पर बीएसए की गाड़ी की हवा निकाल दी गई है। एसडीएम सदन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है और सीतापुर बीएसए कार्यालय पर यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर जमकर हंगामा किया है। अंतर जनपदीय तबादले के बाद रिवीलिंग को लेकर यह पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ, जिसके बाद बीएसए कार्यालय पर बीएसए की जो गाड़ी खड़ी थी, शिक्षकों ने उसकी हवा भी निकाल दी है। हालांकि एसडीएम सदन ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया है। तो सीतापुर से बड़ी खबर है, बीएसए कार्यालय पर शिक्षकों ने हंगामा किया है। अंतर जनपदीय तबादले के बाद रिवीलिंग को लेकर हंगामा किया है और बीएसए कार्यालय पर बीएसए की गाड़ी की हवा भी निकाल दी गई। हालांकि एसडीएम सदर मौके पर पहुंच गए थे और मामले को फिलहाल शांत कराकर शिक्षकों को आश्वासन दिया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में हमारे सीतापुर संवाददाता समी अहमद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। समी, शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर हंगामा किया है, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है? जी बिल्कुल धीरज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देर रात को जो है तमाम शिक्षकों ने बीएसए कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि हंगामा इतना जबरदस्त था कि जो शिक्षक थे वो काफी आक्रोशित थी। उन्होंने जो है बीएसए कार्यालय पर खड़ी जो बीएसए की गाड़ी थी अजीत सिंह की, उसके गाड़ी की पहिए की जो हवा है वो निकाल दी। आपको बता दें शिक्षकों का प्रदर्शन जो है काफी देर तक चलता रहा। शिक्षकों की सिर्फ यही मांग थी कि जो करीब सीतापुर जिले के अंदर करीब 1418 शिक्षकों का जो गैर अंतर जनपदीय ट्रांसफर जो तबादला हुआ है उसको लेकर जो है बीएसए ऑफिस के द्वारा उनको रिलीव नहीं किया जा रहा था, इसी को लेकर लगातार जो प्रदर्शन जारी किया जा रहा था। आपको बता दें इससे पहले जो है दिन में भी करीब संपूर्ण समाधान दिवस में तमाम शिक्षकों ने जो है डीएम के सामने भी पेश होकर जो है बीएसए पर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे कि उनको जो है सीतापुर जनपद से रिलीज नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर देर रात तक जो उनका हंगामा जारी रहा। आपको बता दें डीएम की जो है हंगामे को देखने के बाद जो है देखकर जो है तहसीलदार है वो मौके पर पहुंचे। एसडीएम सदर अमित भट्ट है वो भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने जो है तमाम जो शिक्षक है उनको समझाया बुझाया और पूरे मामले को किसी तरीके से शांत कराया। आपको बता दें कि जो शिक्षक है वो इस आश्वासन के बाद माने कि उनको भी रात में रिलीज कर दिया जाएगा। फिलहाल जो है देर रात तक जो शिक्षकों के रिलीजिंग का सिलसिला था वो बीएसए कार्यालय में जारी था। जी धीरेन जी, समी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इन्हीं खबरों के साथ में इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव टुडे। नमस्कार। पाएं हर खबर सबसे पहले सिर्फ लाइव टुडे पर। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।